हेलो नमस्कार, मेरा नाम है देवेश झा। स्वागत करता हूँ आप सभी का हिंदी गिजबॉट में। आज बात होगी 5G की, 5G नेटवर्क की। 5G नेटवर्क की चर्चा तो पिछले 2-3 सालों से हो रही है, लेकिन कब आएगा इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है। 5G फोन्स भी लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन 5G नेटवर्क कब चालू होगा अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि रिलायंस ने पिछले AGM जो अभी 2 दिन पहले उनका 43rd AGM हुआ था, उसमें उन्होंने बताया कि 5G नेटवर्क पे उन्होंने लगभग सारा काम पूरा कर लिया है और भारत में काफ़ी जल्द लॉन्च करने वाले हैं। रिलायंस के फाउंडर मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी ने 5G के फ़ायदों के बारे में बताते हुए एक वीडियो के जरिए बताया कि कैसे 5G किसानों को, आम लोगों को, हेल्थ केयर सिस्टम में भी मदद कर पाएगा। आइए हम आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं कि अगर 5G भारत में लॉन्च होता है तो उससे कैसे हमारे एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर सिस्टम में, वर्कफोर्स में और मोबाइल नेटवर्क में फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। 5G के जिन फायदों के बारे में सबसे पहले आकाश अंबानी ने बात की, उनमें से एक बड़ा चीज़ था रोड एक्सीडेंट। उन्होंने बताया कि रोड एक्सीडेंट में भी 5G काम आएगा और रोड एक्सीडेंट होने से बच जाएंगे। एक सेंसर होगा जो कि गाड़ी में काम करेगा और उसकी वजह से ऑटोनोमस सिस्टम की मदद से गाड़ी के आसपास कोई भी खतरा अगर आएगा तो उससे पहले वो 5G सेंसर डिटेक्ट करेगा और आपको, यानी कि जो ड्राइवर है उसको इन्फॉर्म कर देगा, एक नोटिफिकेशन दे देगा कि आगे कुछ ऐसा एक्सीडेंट होने वाला है जिसकी वजह से शायद एक्सीडेंट बच जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा 5G का होगा कि अगर इस तरीके से ऑटोनोमस सिस्टम काम करता है और 5G सेंसर डिटेक्ट करके बता देता है कि कोई खतरा आगे है, तो बहुत सारी घटनाओं जो रोज़ होती है उससे बचा जा सकेगा। 5G का दूसरा फायदा किसानों को होगा। किसान यानी कि एग्रीकल्चर भी डिजिटलाइज हो जाएगी। ड्रोन की मदद लेकर 5G तकनीक खेती वाले ज़मीन की सही परख कर पाएगा और किसानों को काफ़ी फायदा होगा। एक तरह से कहा जाए तो 5G आने के बाद जो खेती है यानी एग्रीकल्चर भारत का पूरी तरह से डिजिटलाइज हो जाएगा और इसकी वजह से भारत की इकोनॉमी को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। 5G के आने के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो होगा वर्कफोर्स का। 5G के आने के बाद वर्कफोर्स काफ़ी बढ़ेगा, भारत में वर्कफोर्स में काफ़ी इजाफा होगा और भारत में काफ़ी सारे लोगों को नया रोज़गार मिलेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त भारत में काफ़ी ज़्यादा बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी का स्तर काफ़ी बढ़ गया है, बेरोज़गार लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में अगर 5G के आने के बाद लोगों को नौकरियां मिलती हैं तो निश्चित तौर पर बेरोज़गारी में कुछ कमी ज़रूर आएगी। 5G नेटवर्क का चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा होगा हेल्थ केयर सिस्टम में। भारत का स्वास्थ्य सिस्टम बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर माना जाता है, लेकिन हालांकि COVID-19 का जो दौर चल रहा है, इस दौर में भारत ने बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी अच्छा काम किया है, हेल्थ केयर सिस्टम में काफ़ी अच्छा काम किया है। लेकिन अगर 5G नेटवर्क भारत में आ जाता है तो निश्चित तौर पर ये भारत का हेल्थ केयर सिस्टम पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। कैसे बेहतर होगा? रिमोट हेल्थ केयर सर्विस का इस्तेमाल 5G नेटवर्क आने के बाद डॉक्टर्स और नर्सेस कर पाएंगे। इसकी मदद से मरीजों को घर बैठे देखा जा सकेगा, यहाँ तक कि मरीजों का जो स्कैन होता है, एक्सरे होता है, वो भी घर बैठे डिजिटलाइज किया जा सकेगा। और इससे निश्चित तौर पर एक हेल्थ केयर सिस्टम में बड़ा बदलाव आएगा और काफ़ी सारे लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचेगा। 5G नेटवर्क का पाँचवा और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मोबाइल नेटवर्क की तेज़ी में इजाफा होना। निश्चित तौर पर मोबाइल नेटवर्क की स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाएगी। अभी भी हम लोग 4G नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं और डाउनलोड करने में अगर हमारा नेटवर्क कम स्लो हो जाता है या चला जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर जब 4G के बाद 5G आएगा तो डाउनलोडिंग स्पीड भी बढ़ेगी और अपलोडिंग स्पीड भी बढ़ेगी। तो मोबाइल नेटवर्क में एक बड़ा फ़ायदा होगा और नेटवर्क संबंधी काम मोबाइल से जो हम लोग करते हैं, वीडियो डाउनलोड करने की, लाइव स्ट्रीमिंग करने की, इंटरनेट चलाने की, वो सब भी अच्छे से हो पाएगी। 5G के फ़ायदों के बारे में हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।